अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم। ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون। الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم। ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर उनसे ये सवाल करें कि बताओ तो ज़मीन व आसमान का खालिक कौन है, सूरज और चांद किसके कब्ज़े कुदरत में है, लयकूलुन्ना अल्लाह, उनका लाजिमन जवाब ये होगा कि अल्लाह ही ज़मीन व आसमान का खालिक है और अल्लाह ही के कब्ज़ा कुदरत में सूरज और चाँद हैं। फअन्ना युफकून, फिर अल्लाह ताला सवाल करता है कि फिर ये किधर उल्टे फिरते हैं। जब सवाल का जवाब ये है तो फिर अपने अमल के एतबार से कहाँ फिरते हैं। फिर फरमाया कि यकीनन अल्लाह ही रिज्क में वसअत देता है, रिज्क में कुशादगी करता है, जिसको चाहता है रिज्क ज़्यादा अता करता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला रिज्क तंग कर देता है। अल्लाह ताला हर तरह का इल्म रखता है। और अगर आप ये सवाल करें कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है जिससे मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, लयकूलुन्नल्लाह, उनका लाजिमन जवाब ये होगा कि अल्लाह ही बारिश बरसाता है। बल अक्सर कुल अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। बल अक्सर हम ला याकिलून, लेकिन हकीकत बात यह है कि इनमें से अक्सरियत अहमक और बेअक़ल है। सदकल्लाहुल अज़ीम। ये सूरतुल अनकबूत की तीन आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और उसका मफहूम पेश करने की कोशिश की है। इसमें एक सवाल है और फिर उसका जवाब है। सवाल अल्लाह की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है और जवाब किनका है, ये मुअहिदीन के तबके का नहीं है। ये अल्लाह करीम ने मुशरिकीन मक्का का अकीदा बयान फरमाया है। वो मक्के के मुशरिक जो रजिस्टर्ड जहन्नमी, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, जिनके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं है, ये उनका अकीदा है। ये किसी मुअहिद का अकीदा नहीं है। अकीदा तौहीद पे हम सब बात करते हैं। मसला ये नहीं है कि ज़ुबान से कौन अल्लाह को कायनात का खालिक भी समझता है, मुदब्बिर कायनात भी समझता है, मुशरिक भी यही समझता है। फरमाया लयकूलुन्नल्लाह, तख्लीक के बारे में सवाल पूछ लीजिए, चाहे तदबीर के बारे में सवाल पूछ लीजिए, तख्लीक कायनात भी मुशरिक ये समझता है कि सब अल्लाह करता है, और तदबीर कायनात भी मुशरिक ये समझता है कि सब अल्लाह के हाथ में है, सूरज चांद उसी के हाथ में है, रिस्क वही बढ़ाता है वही कम करता है, और आसमान से बारिश भी वही बरसाता है, हर चीज अल्लाह के हाथ में है। लयकूलुन्नल्लाह,
ये जो लयकूलुन्ना है, साहिब इल्म लोग जानते हैं कि जितनी ताकीद हो सकती है वो इन पे इनमें पाई जाती है। लाम भी ताकीद का, नून सकीला भी ताकीद का, यानी इसके अलावा कोई जवाब हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ही सब कुछ करता। अब अगर कोई शख्स ये समझता हो कि एक अल्लाह ही मेरा खालिक है, एक अल्लाह ही मेरा मालिक है, एक अल्लाह ही मेरा रब है, एक अल्लाह ही रोज़ी देता है, एक अल्लाह ही सूरज चांद को कंट्रोल किए हुए है और बारिश भी वही बरसाता है, तदबीर कायनात भी वही करता है, जो शख्स ये समझता हो और अकीदा ये रखता हो, ये अकीदा रखने वाला तो मुवहिद होता है, वो मुशरिक कब होता है? कभी सोचा? अल्लाह करीम ने ये अकीदा किसी एक जगह पे बयान नहीं फरमाया, कुरान में मुख्तलिफ मुकामात पर मुशरिकीन मक्का का अकीदा बयान फरमाया, और यही है, पूछ के देखें इनसे, सूरतुल अनकबूत में, सूरतुल मोमिनून में, सूरह ज़ुख़रुफ में, मुख्तलिफ मुकामात पर, कम अज़ कम चार मुकामात पर अल्लाह करीम ने इसी पैराए में मुशरिकीन मक्का का अकीदा बयान फरमाया। और अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारा अकीदा तौहीद क्या है, तो हमारा अकीदा तौहीद भी तो यही है। हमसे कोई पूछे पैदा किसने किया, अल्लाह ने, बारिश कौन बरसाता है, अल्लाह, सूरज चांद किसके कब्जे कुदरत में है, अल्लाह के, और रिज्क कौन देता है, अल्लाह, रोजी रसा कौन है, अल्लाह, जब ये सब कुछ कहने से हम मुवहिद हैं तो वो मुशरिक कैसे हो गए? हम तौहीद वाले वही अकीदा रखें, हम तौहीद वाले वो वही अकीदा रखें तो वो मुशरिक ठहरे, और सादा मुशरिक नहीं, जिनके जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट है, कोई रियायत नहीं है कि उनका अकीदा अच्छा था, अकीदा तौहीद के मालिक हैं, कोई अकीदे की बात नहीं। अल्लाह अकबर, फर्क क्या है, किस फर्क की वजह से वो मुशरिक हो गए? अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की कुदरतों को मानते हैं, अल्लाह की सिफत तखलीक के कायल हैं, सिफत तदबीर के भी कायल हैं, सब कुछ के कायल होने के बावजूद मुशरिक कैसे हो गए? अल्लाह अकबर। वो यही समझते थे कि उनके जितने जिनको वो शरीक ठहराते हैं ना, वो ये समझते थे कि ये शरीक हमारे अल्लाह के सामने सिफारशी हैं, काम सारे अल्लाह करता। मक्के के मुशरिकों में से कोई मुशरिक ये नहीं समझता था कि उनके बुत काम करते हैं, वो ये नहीं समझता था कि बुत रोजी देते हैं, वो ये नहीं समझता था कि अल्लाह के अलावा को रोजी रसा हो सकता है। अल्लाह करीम ने वजाहत फरमाई कि वो क्या करते थे, मा नअबुदुहुम, सूरह ज़ुमर। उनसे कोई पूछे बुतों की पूजा करते हो, बुतों को खुदा मानते हो, तो वो कहते थे मा नअबुदुहुम, हम इनकी बंदगी कब करते हैं, हम तो रब की बंदगी करते हैं। इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो इसलिए इनके पास जाते हैं कि ये हमें अपने रब के करीब कर देते हैं, हम तो इसलिए जाते हैं। वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़उहुम वला यदुर्रुहुम, सूरह यूनुस। वयकूलूना हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, वो कहते थे कि ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के करीब, अल्लाह के पास, इंदल्लाह, हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, बस ये इतनी बात ठहरी, अल्लाह अकबर, कि ये हमारे सिफारशी हैं, हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। गोया क्या कहते थे, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, ये कहते थे, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, बस ये एक ऐसा फर्क पड़ा, वरना अकीदा तो बड़ा अच्छा था। और मैं समझता हूं सादा मुशरिक थे, सादा और बड़े ही मासूम मुशरिक, अल्लाह मान जाते थे कि हम और खुदाओं को भी मानते हैं। एक हदीस में आता है, इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बुतप्रस्त थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
वालिद वालिद इमरान बिन हुसैन, आपने फरमाया उनके वालिद हुसैन। चलें जी, तस्हीह फरमाई जाए उस्ताद खालिस्त, वो फरमाते इमरान बिन हुसैन की बात नहीं है, इमरान बिन हुसैन के वालिद हुसैन की बात है, स्वाद के साथ। उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इमरान थे या उनके वालिद थे, कि बताओ कितने खुदाओं को मानते हो। उन्होंने कहा मैं 7 खुदाओं को मानता हूं। कौन से? कहते हैं एक बड़ा, 6 छोटे। बड़ा आसमानों पे है, 6 छोटे जमीन पे हैं। ये छोटों के पास जाता हूं ताकि वो मुझे बड़े के पास ले जाए। अल्लाह अकबर, कितनी मासूमियत है। हम बीसियों खुदाओं को मानते हैं लेकिन हम तस्लीम नहीं करते, हम बीसियों चीजों को खुदा मानते हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन हम मानते ही नहीं। और फिर कोई बात कोई पूछ ले, मुस्लिम शरीफ के अंदर तलबिया भी बयान हुआ है कि जब वो हज करते थे मुशरिकीन और जो तलबिया पढ़ते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह अकबर, ये नहीं कहते थे बुतों को कि हम आ गए हैं, अल्लाह को कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हम हाजिर हैं, ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। ये कौन कह रहा है? मुशरिक। बस फर्क ये रखता था, इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु वमा मलक। अल्लाह ये छोटे छोटे बुजुर्ग, ये छोटी छोटी मूर्तियां, ये जो हमने बनाई हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। इल्ला शरीकन, ये छोटे छोटे शरीक हैं हमने बनाए हुए, हुवा लक, ये शरीक भी तेरे ही हैं, ये भी तेरे हैं, यानी तू मालिक है। तम लिकुहु वमा मलक, इनका भी तू मालिक है, और इनकी अगर कोई आगे मिल्कियत है तो उसका भी तू मालिक है। यानी अपने मुशरिकों को भी, अपने शरीकों को भी अल्लाह की मिल्कियत करार देते थे। इस कदर तसव्वुर वाज़े था। और मैं ये अर्ज करूं, ये मुशरिकी ने मक्का के बस की बात नहीं थी कि वो इस बात का इनकार करें। अल्लाह ने तौहीद इंसान की फितरत में रखी है, तौहीद इंसान की फितरत में। आप अगर मालूम इल्मी तारीख के मुताबिक यूनानी तहजीब का मुताला करें अगर, तो यूनानी तहजीब में क्या हुआ है, बिल्कुल हिंदुओं की तरह वो भी करोड़ों खुदाओं के कायल थे। और करोड़ों खुदाओं के कायल क्यों थे? वो इंसान के अंदर अल्लाह ने दो पहलू रखे हैं इसकी फितरत के, एक खौफ और एक उम्मीद। इस खौफ और उम्मीद से खुदा बनते हैं, खुदाओं की ईजाद होती है, खुदाओं के तसव्वुरात बनते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक खौफ है एक उम्मीद है। जिस चीज से खौफ लाहक होता है, इंसान उससे बचने के लिए मेहनत मुशक्कत मुजाहिदा रियाजत करता है। जिस चीज से उम्मीद बनती है, उससे हासिल करने के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए भी इंसान मेहनत करता है। इसी से मजहब बनता गया, इसी से करोड़ों खुदा बनते गए। 2200 साल 2300 साल कबल मसीह की तारीख रखने वाला हिंदू धर्म, अगर वहां 33-34 करोड़ खुदा हैं, तो वो भी इसीलिए है कि जिससे खौफ लाहक हुआ वो भी खुदा बन गया, जिससे उम्मीद बनी वो भी खुदा बन गया, जिस चीज से फायदा है उसकी भी आवभक्त करनी है ताकि फायदा मिलता रहे, जिस चीज से नुकसान है उसकी भी आवभक्त करनी है ताकि नुकसान से बचते रहे। सारा झगड़ा ही इन दो जज्बों का है। ये दो जज्बे अगर अल्लाह के साथ मुंसलिक नहीं हुए तो तौहीद कोई नहीं है। मुशरिकीन मक्का, उनका जुर्म यह था कि वो सब मानते थे कि सारी कुदरतें ताकतें अल्लाह के पास हैं। जुर्म उनका यह था कि खौफ और उम्मीद उन्होंने दुनियावी खुदाओं के साथ वाबस्ता किए हुए थे। अपने खौफ भी दुनियावी खुदाओं के साथ, उम्मीदें भी दुनियावी खुदाओं के साथ। वगरना इंसान अपने रब को तो मानता है, रब को मानना, रब की बंदगी हर इंसान की फितरत के अंदर, सरिश्त के अंदर शामिल। अल्लाह ताला वादा याद दिलाता है ना, अलस्तु बिरब्बिकुम,
बताओ तो मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने कहा था फालू बला अल्लाह तो है। अल्लाह ताला वादा याद कराता है कि याद करो उस वादे को, तुम सब ने वादा किया था कि मैं तुम्हारा रब हूं, अब रब की बंदगी क्यों नहीं करते? या यूहन्नास उबदू रब्बकुम, उसी रब की बंदगी करो। अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारा खालिक भी है, अकेला रब नहीं है। रब कहते हैं अरबी में, रब के दो माने किए जाते हैं, एक रोजी रसा, रोजी देने वाला, पालने वाला, और दूसरा मालिक। और हकीकत बात यह है, मालिक होता ही वो है जो रोजी का बंदोबस्त करना उसके जिम्मे होता है। जो मालिक होता है उसके जिम्मे होता है कि वो अपनी मिल्कियत की रोजी रोटी का बंदोबस्त करे, मालिक के। इसीलिए रब का माना मालिक भी है, रब का माना पालने वाला भी है। सूरह यासीन में अल्लाह करीम ने इस हकीकत की वजाहत फरमाई कि तुम्हें अपने रब के साथ जो रिश्ता मुंसलिक करने का सलीका नहीं आता, मालिक और मिल्कियत का जो ताल्लुक है वो समझ में नहीं आता, तो अपनी जिंदगियों में देख लो। अलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अईदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून, ये मवेशी बनाए हमने हैं, हमने तुम्हें उनका मालिक बना दिया। मवेशी पैदा अल्लाह ने फरमाए हैं लेकिन इंसानों को मालिक बना दिया है। अब जो मालिक बन गए हो तो अब सिस्टम कैसे चलता है मालिक और मिल्कियत का? फरमाया वज़ल्लल्नाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा याकुलून वलहुम फीहा मनाफिउ वमशारिब फला यशकुरून। सिस्टम यूं चलता है कि तुम उनके चारे का बंदोबस्त करते हो, वो तुम्हारी खिदमत पर जुते रहते हैं। यह है सारा मालिक और मिल्कियत का ताल्लुक कि मालिक के जिम्मे है। यही फरमाया ना सूरह ज़ारियात में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने सिर्फ बंदगी के लिए पैदा किया है। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युत्इमून, मैंने कब कहा है कि रोजी कमा के मुझे खिलाओ? इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाकु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, रोजी देने वाला तो वो है, मालिक जो हुआ, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। दुनिया वालों की मनसूबा बंदियां, कारोबार के मंसूबे, रोजी कमाने के मंसूबे गलत हो सकते हैं, वो ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है, उसके पास ताकत भी है, मंसूबा भी उसका पूरा है, मुकम्मल है, ठोस है। उसके साथ अगर ये ताल्लुक कायम नहीं हुआ जो मालिक और मिल्कियत का होता है, तो फिर इस अकीदे की तौहीद का कोई फर्क फायदा नहीं। तौहीद दो किस्म की है, एक तौहीद है एतकादी, एक तौहीद है अमली। बस ये फर्क है। हम अमल करते वक्त पता है क्या करते हैं? हजार दलीलें देते कि देखो दुनिया के असबाब इस्तेमाल करना तब अल्लाह ने मना किया। तो जब हम किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाएं, किसी जिंदे मुर्दे को, किसी लकड़ी पत्थर की मूर्ति को, किसी दरख्त पत्थर को, अगर हम समझ लें कि ये हमें अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाता है तो इसमें हर्ज क्या है? आखिर किसी बड़े अफसर से मिलना हो तो पहले पीएन से मिलना पड़ता है ना, पहले छोटे अफसर के पास तो जाना पड़ता है ना। हजार दलीलें। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ होश करो, तुम बात किसकी कर रहे हो? ला तदरिबू लिल्लाहिल अम्साल, ये दुनिया वालों की मिसालें, ये बोधी मिसालें अल्लाह के लिए ना दिया करो। अल्लाह ताला वो हर तरह की कुदरत रखने वाला, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उसके पास जाने के लिए किसी पीएन की जरूरत, किसी सेक्रेटरी की जरूरत? उसका तो ऐलान है उजीबु दावत दाई दान, पुकारने वाले की तरफ से कमी है, सुनने और कबूल करने वाले की तरफ से कमी नहीं है। उसका ऐलान यह है उजीबु दावत दाई दान, अगर वो फरमा देता अस्मा दावत दाई दान कि जब कोई पुकारे तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूं, तो हमें फिर भी बहाना मिल जाना था कि सुनता तो है, कबूल किसी किसी की करता। उसने फरमाया उजीब,
मैं कबूल करता हूं, मैं जवाब देता हूं। पुकारो तो सही। तो जिसको पुकारने के लिए और जो अंधेरी रात में अल्लाह अकबर उस चिउंटी की बात करने से पहले मुझे जहन में ये आ गया कि कभी हमने तसव्वुर किया हम किस अल्लाह से बात कर रहे हैं, हम कौन हैं और हमारा अल्लाह कहाँ है? कभी तसव्वुर किया कि हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो वो फरमाए हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। हम कहें अर्रहमान अर्रहीम, वो जवाब में फरमाए अस्ना अलैया अब्दी। हम कहें मालिक यौमिद्दीन, वो फरमाए मज्जदनी अब्दी। हम कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरे हैं हम किसी और के नहीं हैं, वो फरमाए अच्छा तू अगर सच्चा है तो हाजा बैनी व बैन अब्दी, फिर मेरा और मेरे बंदे के आपस का मामला है। अगर ये मेरा है तो फिर रास्ते में तो कोई रुकावट है ही नहीं। हाजा बैनी व बैन अब्दी, वो भला कहां से सुनता है? कभी गौर किया है? बात लंबी हो जाएगी, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करूं कि हम इस मस्जिद में बैठे हैं, अगर इस मस्जिद का नक्शा बनाया जाए, ड्रा किया जाए, तो उसमें हम में से हर एक फर्द की क्या हैसियत होगी? अगर पूरी मस्जिद का नक्शा बनाए, एक नुक्ते की हैसियत होगी मस्जिद में। और अगर इस पूरे हैलिफैक्स शहर का नक्शा बना दिया जाए और उसमें इस मस्जिद की क्या हैसियत है? एक नुक्ते से ज़्यादा नहीं। और अगर पूरे इंग्लैंड का नक्शा बनाया जाए उसमें इस शहर की हैसियत नुक्ते से ज़्यादा नहीं। बढ़ते जाएं आगे आगे, आप यूरोप का नक्शा बनाएं तो इंग्लैंड की क्या हैसियत है? एक नुक्ता इतना सा छोटा सा। और पूरी जमीन का नक्शा बनाएं, अल्लाह अकबर, तो यूरोप इतना सा रह जाता है, और वो जमीन जब निजामे शमसी का हिस्सा बनती है तो जमीन खुद इतनी सी रह जाती है, और वो निजामे शमसी जब कायनात का हिस्सा बनता है तो वो निजामे शमसी खुद इतना सा रह जाता है, बल्कि कायनात में इतने करोड़ों निजाम हाय शमसी है कि उनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सारी कायनात की मिसाल अल्लाह की जात को तो कोई समझ नहीं सकता, अलबत्ता उसकी बड़ाई का अंदाजा करने के लिए कि अल्लाह करीम कहाँ है और कितना बड़ा है, सिर्फ उसके अर्श की बड़ाई का अंदाजा कर लेंगे। अल्लाह के अर्श की मिसाल इस सारी कायनात के मुकाबले में यह है, या इस सारी कायनात की मिसाल अल्लाह के अर्श के मुकाबले में यह है। आपने फरमाया कि जैसे लकोदक सहरा हो जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई अंदाजा नहीं, कितना लंबा कितना चौड़ा, और उसके अंदर एक हलका एक छल्ला एक अंगूठी पड़ी हुई हो, एक रिंग, उस रिंग को उस अंगूठी को जो उस लकोदक सहरा के साथ निस्बत है, यही इस पूरी कायनात को अल्लाह के अर्श के साथ निस्बत है। और उस पूरी कायनात में ये जो मैं है ये कहां है, इंसान कहां है? इसकी तो अल्लाह के मुकाबले में हैसियत ही कोई नहीं। तो इसको तो फख्र करना चाहिए, इसको तो शुक्र करना चाहिए, इसको तो शुक्र में सारी जिंदगी मर मिटना चाहिए कि वो अल्लाह फिर भी इसके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मुकाबले में फरमाता है हमीदनी अब्दी, कि जिसकी कोई हैसियत नहीं, हैसियत ही कोई नहीं। बेहैसियत इंसान जब अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो वो कायनात का मालिक, यही तो उसकी शान है। वो अकेला चिउंटी को नहीं देखता, हमें ऐसा लगता है चिउंटी छोटी सी है, हमारी हैसियत चिउंटी जितनी भी नहीं है इस कायनात के हिसाब से, और फिर भी अल्लाह करीम हमारी सुनता है। जिसकी ये हैसियत है उसके लिए मिसालें बयान करते हो कि पहले सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है, फिर फलां के पास जाना पड़ता है। फरमाया ला तदरिबू लिल्लाहिल अम्थाल, ये जुल्म ना किया करो, अल्लाह के लिए मिसालें ना बयान किया करो। एतकादी तौहीद, कोई हैसियत नहीं है एतकादी तौहीद की।
एतकादी तौहीद लेके फिरते रहो अगर तौहीद अमल में शामिल नहीं हुई, रगो पै में पैवस्त नहीं हुई, अगर पूरी जिंदगी तौहीद के मुताबिक नहीं बनी, तो फिर जो मुशरकीन मक्का का हाल है अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, उससे ज्यादा अच्छा हाल नहीं हो सकता किसी का। वो बाबा हाली ने कहा था ना, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, सितारों में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, शहीदों पे जा जा के मांगे दुआएं, मजारों पे दिन रात मन्नते चढ़ाएं। लेकिन इसे सारा कुछ करने से ना इस्लाम को कुछ होता है, ना ईमान को कुछ होता है, ना तौहीद में कुछ खलल इससे आए, ना इस्लाम बिगड़े ना ईमान जाए। हमारा इस्लाम कंक्रीट का बना हुआ है, इसको नहीं कुछ होता। वो तो बेचारे मुशरकीन मक्का थे जो सिर्फ ये कह के कि हम ये हमारे सिफारिशी हैं, वो ऐसे फंसे कि वो मुशरिक कहलाए, रजिस्टर्ड जहन्नमी कहलाए। हम तो फिर भी मुवहिद के मुवहिद हैं, हम सारा कुछ करके दिन में दसियों खुदाओं के दर पे जाते हैं। वो जो अलस्तो बिरब्बिकुम का वादा था ना, कि हम सब ने वादा किया है, किस किस को याद है जो वादा किया? किसी को भी याद नहीं। तो जो याद ही ना हो, बकायमी होशो हवास ना हो, वो वादा कब होता है? इसका मतलब है कि वादा कोई नहीं किया, अगर किया होता तो हमें याद होता। अल्लाह अकबर, किया होता तो याद होता, याद नहीं है कि कब किया, इसका मतलब बकायमी होशो हवास नहीं किया। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है वादा किया, तो इसका मतलब है याद है, चाहे नहीं याद वादा तो किया है। तो फिर याद क्यों नहीं है? याद इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने रब की गुलामी इंसान की फितरत में लिख दी है, फितरत में शामिल की है। इंसान फितरतन गुलाम है, फितरतन बंदा है। फर्क यहां पड़ता है जब ये अपना रब बदल लेता है। बदबख्ती इसकी उस वक्त आती है अपना रब बदल लेता है, दुनियावी खुदाओं को रोजी रसा समझना शुरू कर देता है, दुनियावी खुदाओं से खौफ और उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। लेकिन ये मुशरकीन मक्का होते तो मान जाते कि हमारे खौफ और उम्मीदें किस किस से वाबस्ता है। हम मान के भी नहीं देते कि हमारे खौफ भी दुनियावी खुदाओं से वाबस्ता हैं, हमारी उम्मीदें भी दुनियावी खुदाओं से वाबस्ता हैं। इकबाल ने कहा था, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से न उम्मीदी। मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है, और कुफर क्या होता है, और शिर्क क्या होता है? यही कुफर और शिर्क है, सिर्फ ये तस्लीम कर लेना कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मुदब्बिर कायनात है। ये तस्लीम कर लेना, ये तौहीद एतकादी है। लेकिन तौहीद एतकादी का फायदा उस वक्त तक नहीं है जब तक तौहीद इंसान के अमल के अंदर शामिल हो। कहता है मैं तौहीद को मानने वाला हूं, कहता है मैं मुवहिद हूं, लेकिन कारोबार करते वक्त हेरा फेरी करने को अपना हक समझता। जब कोई शख्स कारोबार में हेरा फेरी करता है, पाकिस्तान में कहते हैं करियाने की दुकान है ना, तो सिगरेट ना ना रखी तो दुकान नहीं चलेगी। यहां कहते हैं शराब ना रखी तो दुकान नहीं चलेगी। कहता है मैं अल्लाह को मानता हूं, रोजी रसा कभी सिगरेट को समझता है, कभी शराब को समझता है। कहता यह है कि मैं अल्लाह को मानता हूं, और रोजी वाबस्ता की हुई है दुनिया के कामों में और हराम कामों में। जिस शख्स का अकीदा यह हो कि मेरा रोजी रसा अल्लाह है, और हीला करते वक्त वो हराम कामों में पड़े, इसका मतलब यह है कि उसका अकीदा है तौहीद दुरुस्त नहीं, वो अपने अकीदा है तौहीद में झूठा है। वगरना जिसके अंदर तौहीद होती है ना, जिसके अमल में तौहीद होती है, उस जैसा नडर, उस जैसा रोशन किरदार वाला मुसलमान जहां बैठेगा उसकी खुशबू फैलेगी। इकबाल ने एक छोटी सी नज्म लिखी, मैं अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं। तौहीद उसका नाम रखा, जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी। आज क्या है? फकत एक मसला इल्म कलाम। ये तौहीद तो जब इंसान के
अमल में आती है तो ये कुव्वत बनती है। हम खुदा के वजूद पे बात करते हैं, अल्लाह और खुदा में फ़र्क की बात करते हैं, खुदा कहना जायज़ है कि नाजायज़ है इस पे बात करते हैं, कलामी मसाइल पे बहुत बात करते हैं, लेकिन अमल तौहीद से खाली है इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम फरमाए। फरमाया जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज क्या है फकत एक मसला इल्मे कलाम। रोशन इस ज़ौ से अगर जुल्मते किरदार न हो, अगर ये तौहीद किरदार का हिस्सा न बने, अगर इंसान के रोज़ो शब के मामूलात का हिस्सा न बने, तो खुद मुसलमान से है पोशीदा मुसलमान का मुकाम। इसको खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, दर दर पे ठोकरें खाता फिरता, कभी किसी से उम्मीद लगाता है, कभी किसी से उम्मीद लगाता है। वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। तौहीद अगर आ जाए, देखे फितरतन इंसान के अंदर तौहीद है। मैं यूनानियों की बात कर रहा था, उन्होंने करोड़ों खुदाओं से फिर एक खुदाई कुनबे की तरफ आए, खुदाई कुनबे से फिर एक खुदा की तरफ आए। अरस्तु और अफलतून ने जाके कह दिया कि खुदा एक है और बहुत बुलंदोबाला है, लेकिन वो मुवहिद नहीं हो सके। क्यों? वहदानियत का तसव्वुर तो हमारी फितरत में है, लेकिन जब तक वो अमल का हिस्सा ना बने, कोई मुवहिद मुवहिद नहीं बनता। रोशन इस ज़ौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो, खुद मुसलमान से है पोशीदा मुसलमान का मुकाम। मैंने ऐ मीरे सिपाह तेरी सिपाह देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नयाम। आह इस राज से वाकिफ है न मुल्ला न फकीह, के वहदत अफकार की बे वहदत किरदार है खाम। जब तक ये फिक्र की तौहीद अमल की तौहीद ना बने, वहदत अफकार की बे वहदत किरदार है खाम। जब तक ये फिक्री और इतकादी तौहीद अमली तौहीद नहीं बनती, उस वक्त तक तौहीद का कोई फायदा नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको ऐसा मुवहिद बनाए कि हमारे रोज़ो शब, हमारी पूरी जिंदगी एक एक लम्हा तौहीद में रच बस जाए और एक अल्लाह के साथ हम मुंसलिक हो जाएं। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।